बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान और अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर ही उनके छोटे भाई सोहेल खान ने एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा और कई फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों के साथ लोगों का दिल जीत कर बतौर सफल एक्टर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, जिसके बाद इनका करियर एकदम सही चल रहा था। पर सुपरस्टार बड़े भाई का हाथ था, जिनकी मदद से इन्होंने खूब सफलता हासिल की। लेकिन एक सफल एक्टर होने के बावजूद अचानक ही इन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था, जो सबके लिए काफी शॉकिंग था। और आज भी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार सफल अभिनेता होने के बावजूद इन्होंने क्यों छोड़ा था बॉलीवुड, क्या थी इसके पीछे की वजह, क्या वो वजह इतनी बड़ी थी कि जिसके चलते इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दी थी। आज की वीडियो में हम आपको सोहेल के इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजह के बारे में ही बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सलमान खान के भाई सोहेल खान ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही इस खान ब्रदर की जोड़ी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक फिल्मी परिवार होने के नाते सोहेल खान बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और तब इनके भाई सलमान खान सुपरस्टार बने, वो इनके लिए आइडल बन गए और उनकी ही मदद से इन्होंने साल 2002 में आई फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। फिल्म हिट रही और लोगों ने सोहेल को काफी पसंद किया था, जिसके बाद इन्होंने मैंने प्यार क्यों किया, सलामे इश्क, गॉड टू सीक्रेट हो, किसान और वीर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। सफल एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई, पर बावजूद इसके जल्दी इन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया और बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। ये आखिरी बार साल 2010 की फिल्म वीर में ही अभिनय करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। अचानक इनके इंडस्ट्री छोड़ने के सभी काफी हैरान हो गए थे, सभी जानना चाहते थे कि क्यों इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। तो इनके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजह है इनकी फ्लॉप फिल्म, जहां करियर की शुरुआत में इनकी फिल्में हिट हो रही थी, वहीं बाद में आगे चलकर इनकी कई फिल्में एक साथ फ्लॉप होती गईं, जिनमें कृष्णा कॉटेज, हीरोज और राग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इनकी सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था। इन सभी फिल्मों के खराब प्रदर्शन से ये काफी परेशान हो गए थे, इनकी इमेज काफी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। इन्हीं सबसे हताश होकर इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला कर लिया और आखिरकार इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को विराम देकर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ ही दी, जिसके बाद इन्होंने कभी भी फिल्म के बतौर एक्टर काम नहीं किया। आज इन्हें इंडस्ट्री को छोड़े हुए काफी साल बीत चुके हैं, पर आज तक ये फिर कभी बड़े पर्दे पर वापस नहीं आए और आगे भी लगता है कि ये शायद ही बतौर एक्टर कभी फिल्मी प्रदेश पर वापसी करेंगे। पर साथ ही आपको बता दें, बतौर एक्टर अपने करियर को विराम देने के बाद इन्होंने बतौर निर्माता निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की और सफल साबित हुए। इन्होंने जय हो, दबंग 3 और रेडी जैसी फिल्मों में बतौर निर्माता निर्देशक काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहीं आज भी ये बतौर निर्माता निर्देशक काम कर रहे हैं और अपने नए कदम में काफी खुश हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर सोहेल खान से बतौर एक्टर इंडस्ट्री में वापसी करते हैं तो क्या वो सफल एक्टर बन पाएंगे या फ्लॉप ही रहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।